तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमने एक ब्लूटूथ मॉड्यूल मंगाया जिसका वर्जन 5.0। चलिए दोस्तों हम उसके आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देते हैं। दोस्तों ये ब्लूटूथ पैनल काफ़ी अच्छा होने वाला है। चलिए दोस्तों हम वीडियो कर लेते हैं शुरू और मैं आपको दिखा देता हूँ ब्लूटूथ पैनल कैसा है हमारा। और दोस्तों मैं ये भी बताऊँगा कि आपको हमने इसको किस लिए मंगाया है और हम इसको कहाँ पर फिट करेंगे। चलिए दोस्तों हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। दोस्तों डिब्बा पहले ही खुल गया था क्योंकि मेरे को एक्साइटमेंट थी, मैं वीडियो बाद में बना रहा हूँ। दोस्तों चलिए मैं आपको ब्लूटूथ पैनल दिखा रहा हूँ। मैंने इनको ऑलरेडी फिट कर लिया है। दोस्तों ये हमारा टावर डीजे, आपको पता ही होगा हमने वीडियो में बनाई थी इसकी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। चलिए दोस्तों मैं आपको ब्लूटूथ पैनल दिखा देता हूँ, हमारा ब्लूटूथ पैनल कैसा है। दोस्तों ये हमारा ब्लूटूथ पैनल है। दोस्तों ब्लूटूथ पैनल काफ़ी अच्छा है हमारा। दोस्तों इसमें गजब का बेस आता है, गजब की क्लियर क्वालिटी है। दोस्तों पहले मैं इसको ना ऑक्स से बजाता था। दोस्तों जिसका ये ब्लूटूथ पैनल है दोस्तों, इसका ना इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। दोस्तों ट्रैवल ज़्यादा देता था और बेस कम देता था, इसलिए मैंने ना इस वाले ब्लूटूथ पैनल को मंगाया। दोस्तों इसमें ना गजब का साउंड आ रहा है। दोस्तों ये ऑक्स केबल को टक्कर दे पा रही। दोस्तों इसमें मैंने डीजे की ऑक्स केबल लगा रखी है क्योंकि मेरे को मजबूरन ऑक्स केबल से बजाना पड़ता था क्योंकि मेरे को अच्छी साउंड चाहिए थी। लेकिन दोस्तों अब मैंने इस ब्लूटूथ पैनल को मंगाया, दोस्तों काफ़ी अच्छी साउंड आ रही है। आप भी अपने होम थिएटर या टावर सिस्टम के लिए मंगा सकते हो, एम्पलीफायर के लिए मंगा सकते हो। और आपका ये MP3 कार्ड वाला ब्लूटूथ पैनल इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं देता, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी देता है। दोस्तों आप इसको हेडफोन में भी लगा सकते हो, काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी। दोस्तों इसका बेस मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों जो मैं ऑक्स केबल से इसके गाने बजाता था ना, तो उसका है ना कंपेयर करूँ मैं बेस के में, दोस्तों इसका ना 30% ये बेस ज़्यादा देता है मेरे टावर सिस्टम में जो मैंने बनाया है। और दोस्तों ये है ना मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और दोस्तों ये मेरे को 300 रुपये का पड़ा, मेरे से 70 रुपये डिलीवरी के लिए गए। दोस्तों आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। दोस्तों ये 5.0 ब्लूटूथ मॉड्यूल है। दोस्तों आप इसको बिल्कुल मंगा सकते हो, मैं काफ़ी अच्छा रिकमेंडेड करूँगा। बट दोस्तों मैं इसकी बुराई भी कर लेता हूँ क्योंकि हर चीज़ में बुराई तो होती है। दोस्तों इसकी मैं बुराई करूँ, दोस्तों जब मैंने इसको ऑक्स से कनेक्ट करा अपने टावर सिस्टम को, दोस्तों इसका 10% ट्रैवल कम हो गया। बट दोस्तों मेरे को ज़्यादा फील हुआ जब मैं भगवान के भजन प्ले कर रहा था, क्योंकि दोस्तों इसमें ना 30% बेस ज़्यादा आता है। और मैं इसका ऑक्स केबल से कनेक्ट करूँ, अगर मैं ऑक्स केबल से बजाता हूँ ना दोस्तों, तो सब चीज़ स्टेबल आती है। लेकिन दोस्तों इसमें 30% बेस ज़्यादा आता है। और दोस्तों ये ऑक्स केबल से 20% लाउड है ज़्यादा। दोस्तों लाउडनेस में भी ज़्यादा अच्छा है ऑक्स केबल्स को, दोस्तों ये टक्कर दे रहा है लाउडनेस में। इसमें 20% ज़्यादा लाउडनेस है। दोस्तों आप इसको आराम से मंगा सकते हो अपने टावर सिस्टम या एम्पलीफायर या अपने हेडफोन के लिए, अगर आपका वायर्ड वाला हेडफोन है तो। दोस्तों मैं तो अब इसी से ही बजाऊंगा अपना टावर सिस्टम में, इसको अंदर फिट कर दूंगा। और दोस्तों मैं इसको सिर्फ ब्लूटूथ पैनल का USB रखूंगा और TF कार्ड और माइक के लिए रखूंगा, लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए मैं इसको फिट कर दूंगा इस मॉड्यूल में। दोस्तों मेरे को काफ़ी अच्छा लगा मॉड्यूल, आप भी बाय कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। चलिए अब दोस्तों मैं इसको ना चालू करके दिखा देता हूँ आपको एक बार, जब आपको आवाज़ का फील हो पाएगा। दोस्तों मैंने इस ब्लूटूथ को चालू कर लिया है अब। दोस्तों मैंने इसकी आवाज़ है ना काफ़ी मध्य कर रखी है, क्योंकि दोस्तों ये मैंने जब इसको फर्स्ट बार में ऑन करी तो मेरे कान ही हिला दिए इसने ब्लूटूथ म्यूट बोलने में ही। चलिए दोस्तों मैं इसको आपको चालू करके दिखा देता हूँ थोड़ी देर वीडियो को पस करके, क्योंकि मैं इसको कनेक्ट करूँगा ना इसी फ़ोन से जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों मैंने सिस्टम को कनेक्ट कर लिया ब्लूटूथ से, आप देख सकते हो। दोस्तों इसकी लाइट ब्लिंक करना बंद कर दी जब इसको हम फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको स्क्रीन शॉट दिखा देता हूँ, मैंने इसकी आवाज़ इतनी पर रखी हुई है, मतलब मैंने इसकी 75 पर आवाज़ रखी है। और दोस्तों मैंने इसकी यहाँ से भी आवाज़ कम कर दी 25%, क्योंकि इसकी लाउडनेस बहुत ज़्यादा है। दोस्तों इसकी ऑक्स से भी 20%। और दोस्तों मैंने इसकी स्पीकर की भी आवाज़ कम कर दी 25%, और उसके मैंने मेन वॉल्यूम में 25% कम कर दिया, लेकिन मैंने बेस को उसको मैंने फुली रखा है आपको दिखाने का कितना अच्छा बेस देता है। चलिए दोस्तों मैं इसका आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ इसकी साउंड क्वालिटी की।
आपने इसका साउंड तो सुन लिया होगा दोस्तों, मेरे को इसकी साउंड काफ़ी अच्छी लगी। ऑक्स केबल से इसमें 20% ज़्यादा लाउड होने से इसमें 30% एक्स्ट्रा बेस आ रहा है दोस्तों, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा साउंड इसका। और दोस्तों आप इसको आराम से बाय कर सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अगर आपको कोई डाउट हो इस ब्लूटूथ मॉड्यूल से मेरे को कमेंट कर देना, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। और दोस्तों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।